हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में ये U1 का चार्जर है, इसको रिपेयर करना जानेंगे। तो देखिए इसमें हुआ क्या है कि ये अंदर इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ टूट गया है या निकल गया है। देखिए ये हिलाने पे बजता है, तो मुझे भी मालूम नहीं है कि आखिर इसमें ऐसा हुआ क्या कि ये अंदर ही बज रहा है। तो इसको खोल के देखेंगे। तो चार्जर को देखिए खोलना ही टफ है, और अगर खुलता है तो वो थोड़ा क्रैक हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे कि फिर से अगर रिपेयर करके उसको लगा दिया जाए तो लग जाए। तो खोलने में सावधानी बरतेंगे, आराम से खोलेंगे। तो देखिए इसको खोलेंगे, मैं पहले इसमें ट्राई करता हूँ कि आखिर ये खुलेगा कैसे। तो देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये खुल सकता है, कोशिश करते हैं। हाँ यहाँ से खुल सकता है, देखिए थोड़ा सा गैप बना रहा है, इसी में पतली पेचकस के सहारे इसको खोलेंगे। तो देखिए यहाँ से ये थोड़ा गैप बन रहा था यहाँ पे, तो यहाँ से खोल लेंगे। यहाँ से खुल सकता है, यहीं से कोशिश करने से ये खुल सकता है। तो यहाँ से पेचकस, देखिए ये थोड़ा सा क्रैक हो गया लेकिन आसानी से खुल गया। ये इसमें ऐसे ही रखा हुआ था बोर्ड, कोई सामान टूटा वटा तो नहीं है, ये ऐसे ही अंदर इतना जगह है कि ये जो है पटकाने से ये फिटिंग इसका गड़बड़ हुआ होगा और हिलने लग रहा होगा। तो इसमें हुआ कुछ नहीं था, इसका बोर्ड ही हिल रहा था, तो मैं लगाया नहीं था कि कहीं शॉर्ट ना हो जाए। तो अब इसको मैं बोर्ड में लगा के देखता हूँ कि इसमें लाइट आती है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये LED लगी हुई है, तो ये जलनी चाहिए अगर इसमें लाइट आती है। तो लाइट तो आ रही है, जिनका चार्जर है उन्होंने जब मेरे को दिया तो वो बोले कि इसमें लाइट नहीं आ रही है, लेकिन मैं चेक भी नहीं करा क्योंकि अंदर बज रहा था, तो मैं सोचा कि कहीं शॉर्ट हो जाए, तो इसको खोल के ही चेक करेंगे। तो वो क्यों कह रहे थे कि इसमें लाइट नहीं आ रही है, अभी तो इसमें लाइट आ रही है। तो देखिए जहाँ पे आपको ड्राई दिख रहा होगा, अगर आपको कैमरे में दिखे तो यहाँ पे देखिए ये ड्राई है, ये ड्राई होने के कारण ऐसा हो रहा होगा कि कभी लाइट आए कभी ना आए। इसको अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर देंगे, बाकी तो और कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो इसको अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे। इसमें सोल्डिंग कर लिया, अब इसका फिटिंग कर लेंगे। इस तरीके से बैठा के छह वायर को भी इस खांचे में बैठा देंगे, उसके बाद ये फोम लगा दूंगा ताकि ये हिले नहीं। अब देखिए इस तरीके से इसको बिठा देंगे, देखिए देखिए यहाँ भी थोड़ा सा क्रैक हो गया जहाँ से पेचकस लगाया था मैं, तो इतना से कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चार्जर को मैं फिट कर लिया, देखिए अब ये बिल्कुल ओके हो गया है। अब इसको एक बार बोर्ड में लगा के देख लेते हैं, देखिए लाइट आ गई जहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये बिल्कुल सही हो गया है। तो इसमें यही दिक्कत थी कि ये पटकाने के कारण इसके खांचे से जो बोर्ड था वो आउट हो गया था, जिसके कारण अंदर ही ये हिल रहा था, तो उसको मैं सही कर दिया, और एक जगह ट्रांसफार्मर में ड्राई था उसको सोल्डिंग कर दिया, ये बिल्कुल ओके हो गया। तो यही थोड़ा सा फॉल्ट रहता है जिसके कारण हम लोग को 200 300 400 का चार्जर खरीदना पड़ता है, जो कि हम उसको खोल के और घर पे भी रिपेयर करके और अपना 300 400 रुपये बचा सकते हैं। भले ही इलेक्ट्रॉनिक्स में जानकारी ना हो, लेकिन इतना भी जानकारी होना चाहिए कि उसको इस तरीके से जो फॉल्ट आ जाए उसको खोल के और सही कर सकें। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आगे से कोई भी चार्जर आपके पास खराब होगा तो ऐसे ही आप लोग ठीक कर लेंगे। ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।